Hey guys, welcome back to my channel. Pe guys are doing well. अगर अपने चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा. आज मैं अपने बालों के लिए बनाने वाली कुछ हेयर मास्क या फिर हेयर सॉल्यूशन कह सकते हो उसको. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. हेयर मास्क बनाने के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी मेथी की. यूज करूंगी अपने लिए कैस्टर ऑयल. तो मेरे पास मामा अर्थ का कैस्टर ऑयल टोनर है. टोनर मत डालिएगा, कैस्टर ऑयल डालिएगा. मेरे पास मामा अर्थ का कैस्टर ऑयल है. सो आई एम गोना बी यूजिंग दिस ओनली 3 to 4 ड्रॉप्स. मिक्स करना है हॉट वाटर में एंड लेट्स सी कि कैसा सॉल्यूशन निकलता है. सो गाइस, ये रेडी है मेरी चाय. हाँ, पानी गर्म हो रहा है. जब तक वो गर्म हो रहा है तब तक सोचा कि थोड़ा चाय पिया जाए. इसे ठंडा होने देते हैं. अभी रेडी हो चुका है लिक्विड सॉल्यूशन. ये अराउंड 250 ml होगा. इतना काफी होगा बाल में लगाने के लिए. मेक श्योर करिएगा कि इसको ठंडा होने दे तभी आप लगाएं बाल. बाल मैंने ओपन कर लिया और पर कंघी करना जरूरी है. कंघी कर मेथी पानी लगाने से पहले कंघी कर लेती हूँ. चलिए नो टिप्स. अगर आपको इसमें कड़ी पत्ता ऐड करना होगा तो वो आप ऐड कर सकते. मेरे पास कड़ी पत्ता नहीं था अनफॉर्चुनेटली, बट अगर नहीं भी है तो भी चलेगा. है तो भी चलेगा. सो दिस इज द लिक्विड. ज़्यादा गाढ़ा नहीं है. अगर आप चाहें तो स्प्रे बॉटल होता है, स्प्रे बॉटल में भी ये लिक्विड डाल के ट्रांसफ़र कर स्प्रे कर सकते हैं. बट मैं ऐसे ही लगाने वाली हूँ अपने बालों में. डोंट फॉरगेट टू मसाज इट प्रॉपरली ताकि वो रूट्स तक पहुँचे. मैंने अपने बालों में पूरा मेथी पानी लगा लिया है. पूरा खत्म हो गया है. आई एम गोना लीव इट फॉर एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स एंड देन आई एम गोना वॉश माय हेयर. तो चलिए मिलते हैं ऑन द अदर साइड. हाय देयर, आई वॉश माय हेयर एंड आई फील क्वाइट रिफ्रेशिंग. बाल धोने के बाद में मैं एक और चीज़ करती हूँ, विच इज आई अप्लाई सम सीरम टू माई हेयर एंड आई यूज लॉरियल पैरिस का सीरम. मेरा एक बॉटल ऑलरेडी खत्म हो चुका था एंड दिस इज 100 ml का विच आई परचेज रिसेंटली. आई एम गोना टेक 2 to 3 पम्प्स हेयर. रूट्स पे बिल्कुल नहीं लगाना, इट्स जस्ट दैट टिप्स पे आपको लगाना है हल्का हल्का सा. यू नो रूट्स पे लगाने से ज़्यादा ऑयली हो जाता है बाल. सो आई डोंट प्रेफर अप्लाइंग इट ऑन द रूट्स, जस्ट अप्लाई टू द टिप्स. दैट्स ऑल. लेट मी टेल यू फ्यू बेनिफिट्स ऑफ अप्लाइंग दिस. फर्स्ट, इट प्रमोट्स हेयर ग्रोथ, प्रिवेंट्स फ्रॉम ग्रेइंग, reduces hair fall and many others. So that's all for today's video. अगर आपको मेरा video अच्छा लगा तो please do like, share and subscribe to this channel and don't forget to hit on the bell icon. Till then मिलते हैं next video में आपके साथ में. और अगर आपके पास कोई suggestion भी होगा तो please do write down in the comment section. तब तक के लिए bye.